बात हो रही है जानवरों की शकल, जब अगर सुबह शकल देख लिए तो आपको खाना नहीं मिलेगा, उसका नाम है बामन मिश्राम। बात हो रही है भगवान को ना मानने वाले राजरतन अंबेडकर की, बात हो रही है चंद्रशेखर रावण की। ये कहने के लिए पूरे समाज के अंदर दलितों के मसीहा बन रहे हैं, और देखा जाए तो ये तीनों के तीनों बहरूपीये किसी न किसी के एजेंट है, कोई इस्लामिक एजेंट है, कोई पाकिस्तानी एजेंट है, कोई पीएफआई का एजेंट है, कोई अंबेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बेच रहा है। महादेव जय श्रम सभी भाई बहनों को। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ सुशील तिवारी जी के सपोर्ट में, जो मतलब हिंदुत्व के लिए सदा खड़े रहते हैं और खुलेआम अपने धर्म का प्रचार करते हैं और विरोधियों की बहुत अच्छे से पुंगी बजाते हैं, विरोधियों का बहुत अच्छे से बैंड बजाते हैं सुशील तिवारी जी, जिन्हें आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो आज मैं बताना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी का नेता भड़ुआ जिसका नाम है राजरतन, जिसने सरेआम खड़े खड़े 10,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और इसका पूरा हाथ था उसमें, पूरा सपोर्ट था हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के लिए। ऐसे हिंदू पे, ऐसे नेता पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता से निवेदन करना चाहती हूँ हमारे धर्म के लिए जो भी हिंदू है ना, जो जिहादियों का मुखौटा लेके घूमते हैं ना, हिंदू बन के घूमते हैं ना जिहादी, जिनको पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग आती है, जो सरेआम हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, हमारे देवी देवताओं को बदनाम करते हैं, किस तरीके से अभद्र भाषा की टिप्पणियां करते हैं, ऐसे हिंदुओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ, बहुत मजाक बन गया हमारे देवी देवताओं का, मगर अब नहीं। और मैं इससे कहना चाहती हूँ, क्या नाम है भीम आर्मी का जो है ना, क्या नाम है इसका, रावण नाम है, इस बड़ुए से पूछना चाहती हूँ, बड़ुए के तेरे संविधान में अंबेडकर जी ने कहां पर लिख के दिया है कि मतलब भगवान को मत मानो, इस तरीके से तू हर किसी के मन में, हमारे देवी देवताओं के प्रति हिंदुओं के मन में जो अभद्र जिस तरीके से हमारे हिंदुओं के मन में नफरत फैला रहा है तू, तो बड़ुए तेरे से मैं पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहां पर लिखा था कि भगवान को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो? मैं तेरे से पूछना चाहती हूँ बड़ुए, तुझे मानना है तू मानना, हमारे सभी हिंदू भाई बहनों के मन में जहर मत घोल, क्योंकि तेरे पास फंडिंग पाकिस्तान से आती है। और ऐसे और भी हिंदू हैं जो जिहादी का मुखौटा लेके घूमते हैं और इनके लिए फंडिंग पाकिस्तान से आती है, ये इसलिए अभद्र भाषा की टिप्पणियां करते हैं हमारी देवी देवताओं के लिए। और ऐसे काफी जाने माने चेहरे हैं जिनको मैं बताना चाहूंगी, एक निर्देश है, एक ये रावण है, और क्या नाम है, और भी ऐसे काफी लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा की टिप्पणियां करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ और सैल्यूट करना चाहती हूँ मैं सुशील तिवारी जी अपने भाई का, जिन्होंने मतलब सरेआम ऐसे देशद्रोहियों का इनके जो चेहरे को मुखौटा लगा, इस मुखौटे को बेनकाब किया है। ऐसे भाइयों की बहुत जरूरत है अपने देश धर्म के लिए, ऐसे तिवारी जैसे हमारे भाई बहनों की बहुत जरूरत है अपने देश धर्म के लिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये धर्म हमारा जो आजकल जो हिंदू है जागरूक हुए हैं। तो उस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि इस तरीके से खुलेआम बोलता है हिंदू हमारे भाई बहन, तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगी ऐसे हमारे भाइयों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए, ताकि हमारा जो धर्म है इसके लिए और भी हमारे हिंदू भाई बहन जागरूक हों और मुंह तोड़ जवाब मिले हमारे देश के गद्दारों को, जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं, हमारे देवी देवताओं का विरोध करते हैं, जिनको फंडिंग पाकिस्तान द्वारा आती है। तो सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।